नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पाठशाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमपी पुलिस में एक टॉपिक से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। इन उदाहरणों में बच्चे फंस जाते हैं, तो आपको मैं आज पूरे वो उदाहरण बताऊंगा जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न अभी भी बनेंगे और साथ ही साथ आगामी एग्जामों में भी बिल्कुल आएंगे। तो हम समझेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं भौतिक परिवर्तन पर, फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब फिजिकल चेंज आप किसे कहेंगे ये समझिए। अगर कोई ऐसा परिवर्तन हो रहा है जब किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाए, वस्तु के साइज में परिवर्तन हो जाए, उसके रंग में परिवर्तन हो जाए या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक भौतिक परिवर्तन हुआ है। तो जब भी कोई भौतिक परिवर्तन होता है, इनमें से कोई ना कोई एक चीज हमें देखने को मिल जाती है। तो ऐसा कोई परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन ध्यान रखें, हो सकता है कि बाई चांस वो रासायनिक परिवर्तन हो ये होने के बाद भी, लेकिन एक तरीके से ये चीज होती है तो एक अंदाजा लग जाता है कि वो एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। फिर हम देखेंगे और क्या होता है भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में आप देखेंगे पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब वजन ज्यादा है तो कम हो जाएगा, ठीक है, आकार बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन ध्यान रखें, रासायनिक परिवर्तन चेंज नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होंगे, केमिकल फॉर्मूला नहीं बदलेगा, ठीक। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखें, ये परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय होते हैं। कहने का मतलब, अगर एक वस्तु से कोई बी वस्तु बनती है तो द्वारा से बी वस्तु से ए वस्तु बन जाएगी। अगर ऐसा कोई परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे क्या, आपका भौतिक परिवर्तन। जैसे कि आपने किसके टुकड़े कर दिए, कागज के टुकड़े कर दिए, और द्वारा से कागज को जोड़ दिया, ठीक है, जुड़ सकता है, तो वो कैसा परिवर्तन हुआ, उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। और उत्क्रमणीय परिवर्तन जो होंगे वो आपके भौतिक परिवर्तन होंगे, ठीक। फिर आप ध्यान रखें, ऐसे परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। ध्यान रखें, पदार्थ वही रहेगा। वही पदार्थ रहने का मतलब है कि केमिकल फॉर्मूला जो होगा उसका वो सेम टू सेम बना रहेगा। इसे बोलते हैं नया पदार्थ बनना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब हम अगर उदाहरणों की बात करें तो देखिए, अगर आप देखेंगे पानी में शक्कर का जो घोल होता है, आप जो चाशनी वगैरह बनाते हैं नॉर्मली, वो क्या है, वो आपका भौतिक परिवर्तन है। शक्कर का विलयन है, आपने एक पानी एक गिलास लिया और उसमें शक्कर घोल दी, ठीक है, पानी में, तो एक भौतिक परिवर्तन हुआ। शक्कर उसमें है, उसका फॉर्मूला भी सेम है, पानी है, पानी का भी फॉर्मूला सेम है। ऐसा नहीं हुआ कि पानी ने शक्कर के साथ मिलकर कोई एक नया फॉर्मूला बनाया हो, ऐसा नहीं होता है। दूसरा परिवर्तन है चौक का चूर्ण बनाना। आप बोर्ड पर चौक से लिखते हैं, चौक घिस जाती है और नीचे गिर जाती है, तो जो चूर्ण बनता है वो भी क्या है, वही है, कैल्शियम रहता है इसमें, कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं होता, बस क्या हुआ, आकार में चेंज आ गया। कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। कागज के टुकड़े कहना, आपने कागज के टुकड़े कर दिए, कागज क्या था, सेलुलोज था, कितने भी छोटे टुकड़े कर दो वो सेलुलोज ही बना रहेगा, ये है एक भौतिक परिवर्तन। फिर बर्फ का पानी में बदलना, पानी का भाप में बदलना या उल्टा कर दो, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। हम कह सकते हैं कि जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण आप जानते होंगे, जल का वाष्प में बदलना, और जो संघनन होता है, संघनन क्या होता है, संघनन की क्रिया होती है कि वाष्प जो होती है वो जल में बदलती है। ये वाष्पीकरण और संघनन कैसी प्रक्रियाएं, ये दोनों की दोनों प्रक्रिया भौतिक है, क्योंकि बस जल का रूप बदला, ध्यान रखें जल का रूप बदला, लेकिन फॉर्मूला क्या रहा, सेम रहा, H2O। बर्फ का भी H2O होता है, जल का, पानी का भी H2O होता है, भाप का भी, तो ये भी कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। फिर लोहे के टुकड़े को लाल तप्त करना, अगर आप एक लोहे का टुकड़ा लें और उसे गर्म करें लौ पर, ठीक है, तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, तो ये कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। आप उसको हटाएंगे वो द्वारा से ठंडा होकर वैसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसके आयरन के केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज ही नहीं आया, तो ये है भौतिक परिवर्तन, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है, उसे भी हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि समुद्र में नमक होता है, आपको पता है, समुद्र के नमक को लीजिए, धूप में रख दीजिए, क्या होगा, जल निकल आएगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड आपका बच जाएगा, तो ये भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक है। नमक पहले भी था, नमक अब भी है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में चेंज नहीं हुआ है, तो यही सारे परिवर्तन कहलाए जाएंगे आपके भौतिक परिवर्तन, ठीक।
तो मुझे उम्मीद है आप भौतिक परिवर्तन बहुत आसानी से समझ गए होंगे, और अगर कोई ऐसा परिवर्तन आता भी है ढूंढने के लिए तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में सीधी सी बात है, जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनेंगे। नए पदार्थ बनने का मतलब है कोई ऐसा पदार्थ बनेगा जिसका फॉर्मूला अलग होगा जिन चीजों से बना है उनसे, इसे बोलते हैं नया पदार्थ बनना। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। कहने का मतलब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आंख बंद करके बोल देना आप कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। आप जानती होंगे कई केमिकल रिएक्शन पड़ी होंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होंगी। ठीक, फिर आप देखेंगे सभी नए पदार्थ इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप बनते हैं। जितनी भी नई चीज की खोज होती है ना, वो सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक परिवर्तन तो लोग बहुत पहले से कर चुके, अब नई चीजें उनसे नहीं बनती। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर एक, भोजन का पाचन कैसा है। भोजन जो पचता है ना, वो आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें कई चीजें नई बनती हैं। ठीक है, कई चीजों का अवशोषण होता है, तो ये भोजन का पाचन ध्यान रखना एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना कैसा है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। फल जब पकते हैं तो उसमें जो शुगर होती है, एक शुगर चेन जो कि दूसरी आती है, पहले फल खट्टा होता है फिर वो मीठा होता है, तो ऐसे ही थोड़ी होता है, उसमें केमिकल चेंज आता है। ठीक है, अंगूरों का किण्वन, अंगूरों को हम किण्वन कहते हैं, शराब बनाते हैं, वो भी क्या है, अंगूरों से जो शराब बनाई जाती है वो क्या है, केमिकल परिवर्तन है, क्योंकि उसमें नया अम्ल बना है, नया जो है जो हम बोलते हैं उसे शराब बनी है, केमिकल चेंज के फलस्वरूप बनती है। जो दवाइयां बनती हैं, दवाइयां कैसे बनती हैं, औषधियां केमिकल परिवर्तन के फलस्वरूप बनती है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप। जो प्लास्टिक आदि बनाई जाती है वो भी कैसे बनती है, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप। जो डिटर्जेंट या जो साबुन बनाए जाते हैं वो भी कैसे बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही बनते हैं। ठीक, अब ध्यान रखें रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो क्या क्या हो सकता है, जिससे हम भी अंदाजा भी लगा लेंगे कि ये कैसा परिवर्तन है। तो आप देखेंगे अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें ऊष्मा प्रकाश निकल रही है या अवशोषित हो रही है, ठीक है, या तो आपने कोई रिएक्शन कराई उसमें से हीट निकली या हीट एब्जॉर्ब की, तो हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, यदि किसी अभिक्रिया में कोई ध्वनि निकली है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई और उसमें ध्वनि निकली, आपने देखा होगा जब हम एक चीज को दूसरी चीज से मिलाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं रासायनिक पदार्थ जो विस्फोट करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं या कोई बुलबुला छोड़ेंगे, वो क्या है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर आपकी गंध में परिवर्तन हो रहा है, किसी चीज की स्मेल में परिवर्तन हो रहा है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। आपका खाना रखा था 4 दिन से, गंध आने लगी, वो क्या हुआ, वो एक रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। ठीक, तो गंध आ रही है, नई गंध बन रही है, तो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। रंग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो ध्यान रखें ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो सकता है। कई केमिकल होते हैं, उनमें अगर हम जल मिलाए या कोई अन्य केमिकल मिलाए हैं तो क्या होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ और बना लेंगे। ठीक है, इसके उदाहरण हम अभी आगे देखेंगे, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होगा। और अगर किसी अभिक्रिया में कोई गैस आदि बन रही है तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक है, कौन सा भौतिक है। अब हम रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण देखते हैं। नंबर एक, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जो जंग लगती है, जंग का मतलब होता है लोहे पर भूरी परत का चढ़ जाना, तो ये एक रासायनिक क्रिया है। ध्यान रखें जंग और लोहा समान नहीं होता है। जो जंग होता है ना और जो लोहा होता है वो अलग अलग चीज होती है। अगर सेम होता फिर तो ये रासायनिक परिवर्तन होता ही नहीं, फिर तो एक तरीके से बर्फ और जल वाला काम हो जाता। लेकिन जंग का फॉर्मूला अलग होता है, लोहे का अलग होता है। ठीक, तो आप देखेंगे जंग लोहा नहीं होता है, जंग होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो जंग का फॉर्मूला वो आपसे पूछ सकते हैं, Fe2O3 है, जबकि लोहे का क्या है, आयरन। मतलब जंग जो लगती है वो जल की और नमी की उपस्थिति में लगती है। ठीक, वायु भी होनी चाहिए। एक और चीज, जंग को अगर आप रोकना चाहते हैं तो आप जानती हैं, रंग कर दीजिए उस पर, पेंट कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, या एक प्रक्रिया होती है जिसे अपन बोलते हैं गैल्वनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण। तो लोहे पर मेनली जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। ध्यान रखें क्रोमियम की भी चढ़ा सकते हैं, जिंक की भी, लेकिन जिंक की ज्यादा चलती है। ठीक, एक और चीज ध्यान रखें, अगर लवण युक्त जल है, अगर जल में कैसा है, लवण युक्त, उसमें समुद्र का जल है,
तो ध्यान रखना समुद्र का जो जल होता है वो बढ़ा देता है इस क्रिया को जंग लगने की को। यही कारण है कि जहाजों पर जंग जल्दी लगती है। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है। स्टेनलेस स्टील आप देखेंगे इसमें कार्बन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है, मैग्नीज जैसी भी धातु होती है। तो आप ध्यान रखना लोहे पर जो है जंग लगती है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग एक नया पदार्थ बनता है। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नीशियम के फीते को जलाना। अगर आप तो मैग्नीशियम की रॉड लें, उसको आप जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और सफेद प्रकाश निकलता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से हीट या ऊष्मा निकल रही है, आपका लाइट निकल रही है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं मैग्नीशियम के फीते को जलाना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और अगर हम इसको ध्यान रखें जल में डुबो दें इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड भी बन जाएगा, जो कि एक बेस होता है क्षार। क्या होता है? क्षार। तो ये भले ही ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना मैग्नीशियम के फीते को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है जलाने पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना नया पदार्थ, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। फिर कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाना, जब आप कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ मिलता है, और यही कारण है, इसलिए इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। पहले आप जान लें कॉपर सल्फेट को हम नीला तोता भी बोलते हैं। तो इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो नीले रंग का विलयन बनता है। ठीक, और वो नीले रंग का जो विलयन होता है मतलब रंग में परिवर्तन आया है मेनली, तो इसलिए हम बोलते हैं ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर इसमें हम लोहा मिला दें तो ये जो विलयन होता है वो हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि अब आयरन सल्फेट बन जाता है। ठीक, कहने का मतलब दोनों के रंग चेंज हो जाते हैं, और रंग चेंज होना मेनली एक कैसा परिवर्तन है, मुख्य रूप से रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो ध्यान रखें कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड में हम डालते हैं, रंग परिवर्तन होता है, अगर उसमें हमने आयरन और मिला दिया तो आयरन सल्फेट बनता है, क्योंकि उसका रंग हरा होता है, या हरा रंग आयरन सल्फेट के कारण होता है। एक और चीज ध्यान रखना सिरका, सिरके पर यदि खाने का सोडा डालें, खाने का सोडा का फॉर्मूला अभी आपसे पूछा गया, वो सब प्रश्न यहीं से पूछे गए, ध्यान रखना। तो सिरके को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ध्यान रखना। खाने का सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, तो ध्यान रखें यदि सिरके पर खाने का सोडा डालें तो हमें बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं, और इन गैस के बुलबुलों को अगर हम देखें चूने के पानी से निकालें, चूने का पानी का फॉर्मूला पूछ लिया गया है आपसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने के पानी से इन बुलबुलों को निकालें तो क्या होगा, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो वो आपसे पूछते हैं चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक, मतलब सिरका था शुरुआत में, खाने का सोडा था लास्ट में, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब एक नया पदार्थ बना, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा। इसके बाद आते हैं एक चीज ध्यान रखना, जलना या दहन। दहन का मतलब होता है कोई भी चीज जलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर कोई भी चीज जल रही है तो तुम्हें पता है CO2 तो निकलती ही है, तो CO2 निकल रही है मतलब क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो चाहे कोयला जले, लकड़ी जले, पत्तियां जले, सबकी सब क्या होंगी, रासायनिक परिवर्तन होंगी। और आप जानते हैं दहन में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी या ऊष्मा अवशोषित होगी। अब ध्यान दें पटाखों का विस्फोट, जो पटाखे है जब हम चलाते हैं तो उष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी निकलता है, ध्वनि भी निकलती है, और कई गैसें भी निकलती है, इसलिए प्रकाश जो पटाखे को फोड़ना क्या हो गया, आपका एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसके बाद भोजन आदि का बासा होना या सड़ना, ये कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब आप समझ सकते हैं क्यों होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि जो गंध आ रही है वो कोई ना कोई केमिकल बनने के कारण दुर्गंध आ रही है। फिर आप देखेंगे ओजोन क्या होती है, ओजोन आपको पता है ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ये भी प्रश्न यहीं से आया है, ध्यान रखना ओजोन का फॉर्मूला पूछा था। तो जो ओजोन होती है वो वायुमंडल में ऊपर टूटती है ऑक्सीजन में। ठीक, तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ध्यान रखें अगर ये O3 की जगह O3 ही रहता तो ये एक भौतिक परिवर्तन होता, हो सकता है ये वाला O3 द्रव में होता, ये गैस में होता, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने क्या किया O3 से वो बनाया, मतलब एटम की संख्या में तो चेंज आया ना, नया पदार्थ बना ना, इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक और महत्वपूर्ण चीज ध्यान देना, आप सेब को काटते हैं
थोड़ी देर बाद आप देखते हैं सेब का रंग चेंज हो जाता है ना, वो कैसा परिवर्तन है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रंग इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि कोई ना कोई केमिकल उसमें बना है। ठीक, तो ध्यान रखना सेब को काटने पर रंग बदलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। और अगर वो आपसे पूछे सेब को काटना क्या है, अगर आपने सेब को काट लिया 4 भागों में तो ये क्या है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आपने काट दिया, आपने बड़ी चीज को छोटा कर दिया, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन जब उसका रंग बदलेगा तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक, इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, तो ये क्या हुआ, नया पदार्थ बना ग्लूकोज, ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसके बाद पाचन की क्रिया क्या हुई, पाचन की क्रिया भी आपकी रासायनिक क्रिया हुई। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें हुई। इसके बाद जो आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ, बाई चांस कुछ अलग हो सकती हैं, वैसे नहीं होंगी। प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ, आपका रासायनिक परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन। ठीक है, कोयले का जलना क्या हुआ, तो जलना मतलब दहन, जलना मतलब दहन, मतलब आपका ये कैसा परिवर्तन हुआ, ये आपका हुआ रासायनिक परिवर्तन। फिर आता है एल्यूमिनियम पन्नी बनाने के लिए एल्यूमिनियम को पीटना, आपने एक एल्यूमिनियम था उसको पीट पीट के पन्नी में बदल दिया, क्या हुआ, ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम ही रही ना। इसके बाद भोजन का पाचन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। अब आता है मोम का पिघलना। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, मोम का पिघलना जो होता है वो एक भौतिक परिवर्तन होता है, मतलब मोम क्या हुआ, ठोस से द्रव में बदला, उसकी अवस्था में परिवर्तन आया, लेकिन मोम का जो फॉर्मूला होगा वो सेम टू सेम वही होगा। लेकिन ध्यान रखें जब मोम को हम जलाते हैं तो जलना दोनों परिवर्तन होते हैं, क्यों, मोम पिघलता भी है और उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती भी है, तो ये दोनों परिवर्तन हो जाते हैं मोम के पिघल जलने पर। तो वो आपसे ध्यान रखना पूछ क्या रहा है, मोम का जलना या मोम का पिघलना, जलना है तो दोनों परिवर्तन आएंगे और पिघलना है तो एक परिवर्तन होगा। ठीक, तो ये वही दिया है, हमें भागों में बांटना था। ठीक है, ये एनसीईआरटी का मटेरियल बहुत अच्छा है। इसको अब वो आपसे पूछ रहा है लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना कैसा परिवर्तन है, क्या एक रासायनिक परिवर्तन है, क्या गलत है, रासायनिक परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। पत्तियों से खाद बनाना कैसा प्रोसेस है, जो पत्तियां होती हैं उसे आप बायो कंपोस्ट करते हैं, खाद में बदल जाती हैं, क्या हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ, आपको पता है जो आप बायो कंपोस्ट में डालते हैं मीथेन बनती है, मतलब एक नई गैस बन गई, क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो खाद जो बनाया जाता है पत्तियों आदि से या बायो अपशिष्ट से, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे जिंक से लिप्टे लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती, आपको पता है बिल्कुल नहीं लगती है। ठीक है, फिर आप देखेंगे लोहा जंग एक ही पदार्थ नहीं है, ये चीज भी आप समझ चुके होंगे। फिर भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सही है, भाप का संघनन क्या है, संघनन मतलब भाप का जल में बदलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक, ये सारी चीजें जो है यही जो हमने पढ़ा है उसी के प्रश्न है। फिर आप देखेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से निकाला जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये दूरिया होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एनसीईआरटी के सीधे सीधे। फिर बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लोहे को जंग से अगर रोकना है अपन को क्या करेंगे, पेंट करेंगे और गैल्विनीकरण करेंगे, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाए जाएंगे। ठीक है, जब बेकिंग सोडा को नींबू के रस में मिलाया जाता है तो गैस के साथ बुलबुले बनने लगते हैं, ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो सीधी सी बात है गैस बन रही है, बुलबुले बन रहे हैं, तो एक रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक, फिर एक मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, ध्यान रखना, जलने पर, पिघलने पर नहीं, हो सकता पिघल और किसी कारण से रहा हो। ठीक है, तो पहले मोमबत्ती का मोम पिघलता है फिर बाष्पीकृत होकर जलता है। ठीक है, यहाँ मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन पिघला हुआ मोम वापस परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन जब मोम जलता है तो दो नए पदार्थ बनते हैं, धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लो एलपीजी का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एलपीजी की फुल फॉर्म पता होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो सुनो, एलपीजी जो सिलेंडर में भरी रहती है वो जब बाहर आती है और जलती है वो कैसे परिवर्तन है दोनों, तो ध्यान रखना बाहर आना एक कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, जबकि जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए एलपीजी में रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं,
क्योंकि एलपीजी सिलेंडर में किस रूप में होती है, गैस तरल में। जब उसे अपन बाहर निकालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, मतलब तरल गैस में बदला है, लेकिन फॉर्मूला अभी भी वही है। ठीक है, तो यहाँ भौतिक परिवर्तन होता है जब वो सिलेंडर से बाहर आती है, तो बस होता ये है कि वो जो तरल था वो किस में बदल गया है, वो गैस में बदल गया है, और कोई अंतर नहीं आया है। एक और चीज, जब वह गैस वायु में जलती है तो वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। तो ध्यान रखना, एलपीजी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और बाहर निकलना क्या, एक भौतिक परिवर्तन। अगर वो दोनों पूछे तो दोनों क्या, एक भौतिक है एक रासायनिक है, जैसा मोमबत्ती में था। फिर आप देखेंगे जमना कैसा परिवर्तन है, जो दूध जमता है दही में, तो जमना कैसा परिवर्तन है, तो आप देखेंगे दूध में जब कोई खट्टा पदार्थ मिलाकर हम रात को रखते हैं तो वह दही बन जाता है। एक बार दही बन जाने के बाद उसको हम दूध में नहीं बदल सकते, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। तो दूध और दही दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद लकड़ी को जलाने और उसे छोटे छोटे टुकड़ों को काटने में कैसे परिवर्तन होंगे, तो लकड़ी को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन होगा, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक, फिर मैंने आपको बता दिया कोई भी क्रिस्टल बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो एक भौतिक परिवर्तन होती है, इतना ध्यान रखना। क्रिस्टल कैसे बनते हैं, भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनते हैं। फिर मैंने ये भी बता दिया लोहे के गेट की पेंटिंग करके उसे जंग से बचाते हैं, भूरे रंग का पदार्थ बनता है जो जंग होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, फिर आप देखेंगे रेगिस्तान की तुलना में तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं पर जंग क्यों लगती है, सीधी सी बात है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में नमी ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होगी तो जंग भी ज्यादा लगेगी, तो वही चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। फिर एक और चीज आप देखना, ये भी बहुत अच्छा है कि एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो जानवरों के कचरों को पचाते हैं और बायोगैस का उत्पादन करते हैं, पहला परिवर्तन। फिर बायोगैस को हम ईंधन के रूप में जलाते हैं, दूसरा परिवर्तन। ये दोनों कैसे परिवर्तन है, तो सीधी सी बात है, बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया ने कचरे को बायोगैस में बदला, मतलब नया पदार्थ बना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब जो बायोगैस बनी इसे अपन को, अपन ने जलाया तो क्या निकलेगी, CO2, ये भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, समझ गए ना। तो बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप इस टॉपिक में से प्रश्न गलत ही नहीं कर सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है कौन सा रासायनिक है, रखने की जरूरत ही नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं उन्हें बेहतर ढंग से उन्हें तैयार करना, और यकीन माने यहाँ से अभी कुछ प्रश्न और बनेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।